हाय फ्रेंड्स वेलकम बैक मैं डॉक्टर आशा गौड़े गायनेकोलॉजिस्ट एंड आई वी एफ कंसल्टेंट उमंग हॉस्पिटल हड़पसर पुणे से मेरे जो रेगुलर प्रेगनेंसी के वीडियो देखने वाले सब्सक्राइबर्स है या जो नए सब्सक्राइबर्स है उनके लिए मैं बहुत ही खास इंटरेस्टिंग और सेंसिटिव वीडियो लेके आई हूँ जो खास मेनली आपके लिए थोड़ा सस्पेंस रिलेटेड रहेगा जैसे ही आपको प्रेगनेंसी हो जाती आपका प्रेगनेंसी कन्फर्मेशन हो जाता है पहले तीन महीने क्रॉस हो जाते आप चौथे महीने में पहुँच जाते तभी आपका एक क्यूरियोसिटी बढ़ने लगता है कि आपके पेट में लड़का होगा या लड़की होंगी तो उसके रिलेटेड आज के वीडियो का टॉपिक है कि आपके प्लेसेंटा का पोजीशन और आपके बेबी का सेक्स या आपके बेबी का जेंडर उसके साथ क्या रिलेशन है डेली मैं ऑलमोस्ट अभी पंद्रह साल से सोनोग्राफी करती हूँ स्टार्टिंग फ्रॉम अर्ली प्रेगनेंसी यानी कन्फर्मेशन स्कैन से लेके डॉपलर सोनोग्राफी करती हूँ जिसमें हम लोग एक फाइंडिंग मेंशन करते हैं प्लेसेंटा प्लेसेंटा यानी क्या उसको मराठी में वार बोलते हैं हम लोग जो नौ महीना मदर से बेबी को ब्लड देता है वहाँ से एक कॉड़ करके थिंग निकलती है जो प्लेसेंटा के सेंटर से निकल के बेबी के कौ, बिल्कुल कॉड के वहाँ पे वो चिपक जाती है तो जब भी मैं सोनोग्राफी करती हूँ तभी काफ़ी पेशेंट पूछते हैं हम लोगों को कि डॉक्टर प्लेसेंटा की पोजीशन क्या है वो एंटेरियर है या पोस्टेरियर है राइट में है या लेफ्ट में है जब भी एनामली स्कैन का रिपोर्ट पेशेंट दिखाते हैं तभी भी सेम थिंग पूछते हैं कि प्लेसेंटा का पोजीशन क्या है तो एक रमजी थेरी करके पब्लिश हुई थी एक जर्नल में 2011 में तो वो थेरी के हिसाब ऐसे मेंशन करा था उन्होंने कि एज अर्ली एज सिक्स वीक्स आपके प्लेसेंटा का या ट्रोफोब्लास्ट का पोजीशन जो है आपके बेबी का सेक्स डिसाइड करती है फॉर एग्जाम्पल मानो प्लेसेंटा का पोजिशन यूट्रस के राइट right में है तो आपको बॉय होंगे और प्लेसेंटा का पोजिशन यूट्रस के लेफ्ट में है तो आपको बेबी गर्ल होगा लेकिन ये जो पेपर पब्लिश हुआ था जो मेडिकल uh, जर्नल में वो पेपर के एस सच कोई ऑथर या उसको कोई ऑथेंटिसिटी भी नहीं थी उसको सपोर्ट भी नहीं करा उसको काफ़ी बार काफ़ी साइंटिस्ट ने और मेडिकल प्रोफेशनल्स ने क्रॉस चेक किया बहुत सारे स्टडीज़ करे वापस से और उसके साथ में उन्होंने ये इंटरप्रिटेशन निकाला कि ये थेरी जो है जिसको रमजी थेरी बोलते टोटली totally गलत है प्लेसेंटा का पोजीशन और बेबी का सेक्स उसका जीरो कोरिलेशन है इसको जो तो ऑस्ट्रेलियन स्टडी है अल्ट्रासाउंड रिलेटेड जर्नल में जो पब्लिश होते हैं वो ऑस्ट्रेलियन स्टडी में ऑलमोस्ट फाइव थाउजेंड लेडीज़ में ये क्रॉस चेक हुई ये रमजा थेरी जिसमें कुछ भी कोरिलेशन नहीं निकला मतलब कि मानो किसी का प्लेसेंटा राइट में है स्टिल उसको बेबी गर्ल हुई है। दूसरा है कि इसमें फॉल्स प्रेडिक्शन ऑलमोस्ट फिफ्टी परसेंट हो सकता है क्योंकि दो ही सेक्स है मानो आपको प्लेसेंटा राइट में है लेकिन सेक्स तो दो ही है एक तो बॉय या गर्ल तो ये सही निकलने के चांसेस ऑलमोस्ट फिफ्टी रहेंगे बट दिस इज नॉट टोटली करेक्ट जिसको मेडिकल प्रोफेशनल सपोर्ट नहीं करे अमेरिकन जर्नल है एसीओजी बोलते हम लोग तो उसमें भी ये स्टडी वापस से क्रॉस चेक हुआ और उसमें भी कुछ भी कोरिलेशन नहीं आ, मिला ये स्टडी के रिलेटेड ये जस्ट एक थेरी है एक पेपर पब्लिश हुआ बस उसको एस सच किसी ने सपोर्ट ही नहीं करा और बींग अ गाइनेकोलॉजिस्ट अभी हम लोग जो फिजियोलॉजी है कि प्लेसेंटा फॉर्म होने को तीन महीना लगते हैं तो सिक्स वीक्स में एसच एस प्लेसेंटा या ट्रोफोब्लास्टिक रिएक्शन इतनी एक्यूरेट दिखती भी नहीं और आपका प्लेसेंटा एंटेरियर रहो या पोस्टेरियर रहो या राइट रहो या लेफ्ट रहो या लो लाइंग रहो या नॉर्मल पोजिशन में रहो उसके साथ बेबी के सेक्स का कुछ भी कोरिलेशन नहीं है बेबी का सेक्स जो है वो क्रोमोजोमल शेयरिंग के बाद बनता है और प्लास प्लेसेंटा जो है वो ट्रोफोब्लास्ट से बनता है मतलब दोनों टिश्यू भी अलग अलग है जैसे कि हम लोग एम्ब्रियो जब ट्रांसफर करते हैं डे फाइव का एम्ब्रियो जिसको ब्लास्टोसिस्ट ब्लास्टोसिस्ट बोलते तो वो ब्लास्टोसिस्ट में जो आउटर रिंग लाइक -like स्ट्रक्चर दिखता है उससे यानी प्लेसेंटा बनता है और अंदर का जो है जिसको आईसीएम बोलते हैं हम लोग इनर सेल मास जिससे बेबी बनता है तो वो अंदर रहता है तो उसका और ट्रोफोब्लास्ट का कुछ भी रिलेशन नहीं है तो फ्रेंड्स अपना जो आज का वीडियो है कि प्लेसेंटा पोजिशन और आपके बेबी का सेक्स उसके रिलेटेड क्या मिथ है और उसके रिलेटेड एक्चुअल मेडिकल फैक्ट क्या है वो अगर आपको पसंद आया होगा तो आपके जो भी रनिंग प्रेग्नेंट फ्रेंड्स हैं उनको देखने को बोलो हमारे चैनल पे आप नए नए आए होंगे तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो बेल आइकॉन प्रेस करो ताकि आपको नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहेंगे थैंक यू